जो पत्तियां हरी होती हैं वो प्रकाश संश्लेषण करती है क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट प्रेजेंट रहता है। अब इसमें प्रकाश संश्लेषण, जैसे किचन में खाना बनाने के लिए हमको अगर हमें दाल बनाना है तो हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी, हमें दाल की ज़रूरत पड़ेगी और हमें उसमें हल्दी डालेंगे, नमक डालेंगे और उसके बाद में हम या तो चूल्हा जलाएंगे या फिर हम क्या करते हैं, गैस ऑन करते हैं। वैसे जब पेड़ अपना पौधा बनाते हैं तो वो भोजन बनाते हैं, वो जो हमारे वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो हम लोग छोड़ते हैं या जानवर लोग छोड़ते हैं उससे लेते हैं। और जैसे खाना बनाते वक्त हमें उसकी हीट की जरूरत होती है, वैसे ही सूरज की रोशनी के प्रेजेंस में, अगर सूरज की रोशनी रहेगी तो वो खाना नहीं ठीक से बना पाएंगे। तो सूरज की रोशनी के प्रेजेंस में जो पत्तियां होती हैं वो खाना बनाती हैं और फिर वो खाना फिर नीचे से मिनरल्स वाटर्स, हाँ पानी यहाँ से जा रहा है, नीचे से पानी है उसमें मिनरल, जिसको सेल सैप कहते हैं, खनिज पदार्थ पानी सभी नीचे से लेकर के और सूर्य की रोशनी के उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड में अपने बनाते हैं। और उसके बाद में जो वो गैस निकालती हैं खाना बनाते वक्त, जो उनका जो मतलब बेकार की चीज़ होती है वो वेस्ट जो चीज़ होती है वो ऑक्सीजन होती है, जो हमारे लिए उपयोग इंसानों के लिए जानवरों के लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो ये एक साइकिल है कि इसीलिए पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत जरूरी, क्योंकि जो हम गैस निकालते हैं वो इसको ले लेते हैं और जो ये गैस निकालते हैं उसको हम लोग हमारे यूज किया है। ओके थैंक यू, ताली बजा दीजिए।